मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आप लोगों का सागर फरतियार व्लॉग्स में। तो टाइम हो चुका है 10 AM, तो अभी चाय पी जा रही है और इसके बाद हमें जाना है कृष्णा को लेने। तो वो बस से आ रहे हैं तो उन्हें मुझे रामनगर पे लेने जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। और हिमांशु और एक उनका मित्र वो जा रहे हैं ये हॉन्टेड बगीचा, जो हमारी एक लोकेशन थी, तो वहाँ जा रहे हैं दिन का डे व्लॉग शूट करने। तो फटाफट चाय पीते हैं और फिर चलते हैं कृष्णा को लेने। तो कृष्णा को लेने पहुंच चुके हैं और कृष्णा आप साथ में हैं। हेलो हेलो। और आज देख रहे हो कृष्णा थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हैं, चश्मा लगा कृष्णा को आज। एक आंख मेरी वीक हो गई, एक आंख 0.25। तो ये दूर का हुआ पास का हुआ यार? ये तो पता नहीं, क्या दूर का है शायद। दूर का है ना, अच्छा। तो आज कृष्णा नाइट को चश्मा पहन के शूट करेंगे, आपको डिफरेंट लुक दिखाएगा कृष्णा का, मजा आएगा, अच्छे लग रहे हैं। मेरी मजाक मत बनाना भाई लोगों, चश्मे से क्या नाम। अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है चश्मा। चलो तो चलते हैं घर को कृष्णा को लेके, फिर रात को जाएंगे शूट पे। पहुंच चुके हैं कृष्णा को लेके और ये हमारा भाई मिल गया। तो भाई बहुत अच्छी रील बनाता है इंस्टाग्राम में, फॉलोवर दीपांशु मेहरा। टिकटॉक में भाई के 1 मिलियन फॉलोवर्स थे, तो वो तो बैन हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, और अब इंस्टा में मेहनत कर रहा है भाई, तो भाई को सपोर्ट करो सागर फरतियाल, प्लीज सपोर्ट, है ना। तो गाइस मिलवाता हूँ आपको एक हमारी मॉडल से, तो जो कि नेहा है। नेहा हेलो तो कर दे। हेलो। तो ये बेचारी 2 बजे से बैठी हुई है घर पे, उसको बुला रखा है शूट के लिए और अभी बज गया 5 और एक भी सीन नहीं लिया, उसको दे दिया टामा। तो कैसा लग रहा तुझे टामा दिखा के? बहुत अच्छा लग रहा है। टामा दे देना तुझे यार, इन्हें बड़े गंदे है ना। किसने दिया जो टामा है बता, किसने दिया बता? मैंने बोला था भी नहीं यार, यहाँ झूठ बोल रही है, मैं तो नहीं दिया क्यों, मतलब ये वही लड़की है जो जिसको हम बोलते हैं नेहा बलबलाट। तो ये बलबलाट से फेमस है अपने, आज नहीं कर रही है, कह रही अब से मैं कैमरे के आगे बलबलाट नहीं करूंगी। तो गाइस आपने गोबर गैस देखा है, जिसको साइंस में बायोगैस ही बोला जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमारा गोबर गैस ये है, पर ये हो चुका है ख़राब, तो इससे गैस अब आ नहीं रही है, तो अब हम लोग बनवा रहे हैं नया गोबर गैस। तो ये देख सकते हो आप, तो ये बच्चा यहाँ चले गए, ये तो ये गोबर गैस इतना बड़ा खड्डा हो गया है, तो अब इसको बनाया जाएगा, तो फिर यहाँ से गैस निकलेगी फ्री। तो ये हमारे मित्र सतेंद्र भाई, और यही जो पीछे गोबर गैस मैंने आपको दिखाया था, तो यही बनवा रहे हैं, आप ही बनवा रहे हो ना? यही बनवा रहे हैं, इसका कॉन्ट्रैक्टर इनको कैसे मिला, लिया हुआ है। अच्छा हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला आपको भाई? हम है कंपनी के थ्रू पे, हम एनजीओ के थ्रू पे हैं। अच्छा, और हम अपने हाथ से कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम तो साली सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। और ये हमारे पुराने मित्र भी हैं, कुछ भी समझो, बढ़िया दिक्सा ले जा रही है पराल का थपड़ा। ओ बेटे मुँह छुपा रही है, ये रख दिया नीचे उसने। कहाँ से ला रही तू? पीछे से इतना सारा ला गई है। ये है घास जानवरों के लिए, बर्तन धो दिए? बर्तन नहीं धो रही थी मैं। और ये है हमारी मशीन कुट्टी काटने वाली, तो इससे हम लोग छुरे जो होते हैं ये दिए जाते हैं, उसके बाद इन जानवरों को, ये हमारे जानवर, ये इनके कान में पीला पीला क्या लगा रखा है? कुंडल। जूली और आ चुका है, जिसका नाम है अतुल, जो कि ब्लाइंड वेल में हर वीडियो में मार खाता है, पर मार खाने एक्टिंग बहुत अच्छी करता है भाई। तो अभी कहाँ से आ रहा है? मैच खेल के आ रहे हैं क्रिकेट यहाँ। कितने रुपए जीता?
आज हारे हैं 50 रुपए। झूठ बोल रहा है, जुआ खेल के आ रही है, मुझे बता दिया, मुझे तेरे भाई ने बताया अभी। लड्डू तूने बोला नहीं, झूठ बोल रहा है, ये जुआ खेल के आ रहा है और 1000 रुपए जीत के आ रखा है अभी 3 पत्ती में। तेरी झूठ झूठ मत बोल, झूठ नहीं खेलते यहाँ हमारे गांव में, जुआ नहीं चलता है भाई। खेलता नहीं खेलता बताना, जुआ खेलता नहीं खेलता, खेलता है ना, और सब तो ज्यादा जीतता है। झूठ बोल रहा है सागर भाई, आई एम बिग फैन ब्रो, कहाँ थे तुम? थैंक यू ऑटोग्राफ बाद में, थैंक यू। चाय पीने लग गए हैं, टाइम बज रहा है 8, 9:30 तक करेंगे डिनर, और उसके बाद आज हम करने जाएंगे हॉन्टेड लोकेशन शूट, जो कि भूतिया बगीचा है, तो आज वहाँ जाएंगे। तो वीडियो तो आपको आफ्टर 1 AM में मिलेगी, डे व्लॉग आपको मेरे से मिल जाएगा बगीचे का, तो तब तक आप बने रहिए। चाची हमारी रोटी बना रही है, देख सकते हो आप गैस से बना रही है, और चूल्हे में बन रहा है हमारा चिकन, तो चाची बना रही है चूल्हे में चिकन। तो चाची रोटी चूल्हे में क्यों नहीं बना रहे हो आप? अच्छा, क्योंकि चूल्हा एक ही है, तो इस वजह से हमें गैस में रोटी बनानी पड़ रही है। कोई नहीं, पर स्वाद आता है चूल्हे में, मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ एक बार। ये गाइस हमारी रोटी, और ये हमारा आटा गूंदा हुआ जो बोलते हैं, और ये रोटी बनने वाली गैस में बन रही है। चाची गोबर गैस है, सिलेंडर है? तो गाइस देख सकते हो आप, ये हमारे गोबर गैस से बन रही है, जो ये पाइप आ रखा है ये गोबर गैस का आया हुआ है, तो गोबर गैस की गैस में हमारी वो बन रही है, इसको बायोगैस भी कहा जाता है, रोटी बन रही है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चूल्हा, तो ये चूल्हे में बन रहा है हमारा चिकन, ये बन रहा है, देखो गाइस चिकन बन रहा है इसमें चूल्हे में। तो गाइस खाना बन चुका है और आप खा रहे हैं, दिखाता हूँ आपको कौन कौन है और क्या खा रहे हैं। खा रहे हैं चिकन, साथ में कृष्णदा, हिमांशु, अतुल और मैं, और इसका फटाफट खाना खा के चलते हैं लोकेशन पे। 9:30 हो चुका है, 10:30 बजे तक निकलते हैं, दूर जाना है। तो गाइस जो हॉन्टेड बगीचा था जहाँ कोई फल नहीं होता, तो वो शूट करके आ चुके हैं, 2:30 बज चुका है, और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है लाइफ में, फर्स्ट टाइम सारे कैमरे ऑफ, मतलब जो मेन कैमरा था वो तो ऑफ हो गया था, नाइट विजन हम अब बाद में देखेंगे, और लाइट्स की बैटरी ऑफ, इतनी आवाज़ें, इतनी एक्टिविटीज, सारी डिवाइसेस वर्क करनी है प्रॉपर। फ़ोन में क्या आ गया है? और एक फॉर्म में भी आ रखा है, वो आपको इसमें नहीं बताऊँगा व्लॉग में, मैं वो आपको आफ्टर 1 AM में ही दिखाएंगे। तो 2:30 बज चुका है, अब चलते हैं घर को सोने, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करो दोस्तों, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल।